हेलो एवरीवन। तो सुबह सुबह तो नहीं कहूँगी, दोपहर 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 2-2:30 बजे के टाइम खाना बनाने आई हूँ किचन में। तो अभी बनने वाला है खाना। आज सुबह से नहीं स्टार्ट किया था, आजकल मैं सुबह से नहीं स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग बनाना। तो मैं दोपहर दोपहर में अभी जल्दी जल्दी काम करूँगी क्योंकि ऑलरेडी अभी 2:30 बजने वाले हैं। तो आज मतलब खाने में एक्स्ट्रा आज रहेगा तला हुआ आलू, हमने सोचा है। तो ये मैं आलू भी ले आई, मंगवा दिया, और हमारी फेवरेट चीज़ रहेगी फिलहाल तो, क्योंकि बाहर से जो मंगाया जाता है यहाँ पर तो वो थोड़ा ठीक नहीं लगता। मैं मंगाया हुआ अंदर फ्रिज में रखा है, वो भी डब्बों में बंद, तो इनके साथ वो भी ले लिया जाएगा और ये भी। तो आज दाल चावल, सादा तला हुआ आलू, मसाले में तला हुआ आलू, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी बात ज़्यादा करेंगी तो झटपट पहले मैं चावल चढ़ाऊँगी और दाल मुझे खाली करनी है डिब्बी में। तो कुकर में दाल और एक में चावल दोनों चूल्हे पे, तीसरा खाली रहेगा तो अभी मैं वही करने लगी फटाफट से। और एक तजुर्बा करने जा रही हूँ, तो ये चावल मैंने अलग से रखे हैं, इसको खीर के लिए भिगाना है। तो आज शाम में तजुर्बा हुई होगा कि खीर बनेगी कस्टर्ड वाली। मेरी बहन ने बनाई थी, बहुत अच्छी बनाई थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे आती खोवे वाली, उसने बनाई थी कस्टर्ड डाल के। तो मैंने अभी उससे कल रात को रेसिपी फिर से पूछी और इसको भिगा के रख दूँगी। और शाम में मैं क्या करती हूँ, वो मुझे क्योंकि ये वाली नहीं आती, मुझे वो वाली आती थी, तो अभी मैं ये वाली बनाऊँगी कस्टर्ड वाली। पता नहीं क्या होता है, लेकिन कोशिश करूँगी जरूर अच्छी बने, क्योंकि उसके आम की बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी। तो मेरी बहन ने मतलब उसने भी अचानक मतलब उसने भी यूट्यूब से देख के सीखा उसने, तो उसने बनाई थी और मुझे दी थी खाने। हम लोग गए थे जब बनाई थी उसने, मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आई, मेरे को मेरी बेटी को, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो आज मैं भी उस तरह करने आ रही हूँ। कल ही पूछा मैंने उससे कि मुझे भी खीर बनानी है किस तरह, तो उसने बताया कि किस किस तरह बनानी है बगैर फूल के। तब मैं भी वही करूँगी शाम में सजे पर, मेरे हाथ की नहीं अच्छी बनती है। मतलब इस तरह मैं पहली बार करूँगी, न्यू तरीके से बनाऊँगी, तो पता नहीं कैसी बनेगी। बना लूँगी लेकिन बना लूँगी सदर बना लूँगी। पता नहीं यहाँ से सामान कैसे मिलता है, हमको पसंद नहीं आता, पसंद ही नहीं आता यहाँ पर। बना के देख रही हूँ इन दालों पे छिलके भी है थोड़े थोड़े, टूअर की दाल पे कभी हजम नहीं है। नहीं है बिल्कुल। तो बस अभी मैं काम में लगूंगी, वरना ये चालू होगा तो मैं बात करती रह जाऊंगी और मेरे को 2:30 बजे से और लेट हो जाएगा। तो 2:30 बजने वाले हैं। ढाई नहीं बोलते उसको, अढ़ाई नहीं 2:30। अल्लाह और गए गुजरा 2:30 यही बोली 2:30, पहले से 2:30 बोली, अढ़ाई नहीं बोलेगी, 2:30 भी नहीं बोलेगी, 2:30। और एक चीज को हम बोलेंगे 1:30 डेढ़ नहीं बोलेगी, 1:30 क्या मस्त बोलती है। तो अभी मैं बात ज्यादा ना करते हुए वरना ये नहीं करूँगी, थोड़ी देर में वापस चालू करके लग जाऊंगी, पहले ही चढ़ा लूँ। गुल्लू भी है, गुल्लू देखा फ्रिज में रखी हुई सारी चीजों के नाम कैसे निकल रहे। तो सीधा काले मिर्च में ले आई और तो अब मैं यहाँ पानी करूँगी, मेरे ख्याल से डिब्बे से ये ओवर हो जाएगा क्योंकि भर लेती हूँ एक डिब्बी जीरा की और एक डिब्बी में काली मिर्च, फिर बचता है ये गरीब बेसन। सब मेरे पास मसाला था पर बहुत सा रहा और मतलब गर्म मसाला भी था, हमने 3-4 महीने यूज़ नहीं किया तो मुझे फिर फेंकना पड़ गया। ये 3-4 महीने यूज़ नहीं करो तो फिर उसको रख के कोई मतलब नहीं है, पता नहीं कैसे हो जाता। हालांकि ख़राब नहीं होता लेकिन फिर भी तो जीरा मैं निकाल दे रही हूँ इसमें। शक्कर चाहिए ना, एक सेकंड में जरा ये जीरा खाली करी थोड़ा।
और ये यहाँ टोकरी में रख देती हूँ। तो ये हो गया, अभी हम लोग थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करने जा रहे हैं क्योंकि खाने तो हमारा 4 बजे या 4:30 को बनेगा, तो हम थोड़ा सा नाश्ता पानी कर देंगे। तो ले तो खाने ये ले तो वो इधर रख दें दोनों, तो थोड़ा बहुत नाश्ता पानी। तो हमारा फेवरेट जो है चाय और पाव और मस्का, तो वो लगा रही है अंदर। तो ये मेकअप किस लिए चल रहा है बताएंगे ज़रा? ये रील बनाने के लिए चल रहा है। हाँ तो ये देखिए, इसने रोल किया हुआ है ना, उस दिन भी बड़ी वाली का मैंने ऐसे रोल आगे किया हुआ, आगे का उतार लिया था, फिर पीछे से रोल खोला वो मैं खुद भूल गई, फिर बाद में याद आया तो फिर तो खुल चुका था वो। फिर आप जो ये खोलेगी तो मैंने याद रखी हूँ और इसको बोली हूँ इसको मैंने बोली हूँ कि जब ये रोल खोल लेगी और बाल इसके काले हो जाएंगे तो मुझे बताना है, तो उस करके मेरे को याद दिलाना। तो ये अभी मेकअप चल रहा है, फ्री खोलती है तो फिर मैं वो भी लेती हूँ बाल के कैसे कर लो है। ये इन लोग ने मंगवाए तो ये इसका मेकअप, हालांकि वो अपनी रील्स वगैरह कुछ बनाने जा रही है, तो इसका मेकअप आप देखिए। उस दिन तो मैंने ऐसे ही खेल खेल में करवा लिया था, अब फिर किसी दिन तैयार होंगी तो करवाऊंगी। इतना मेकअप वाला मेहनत कराने मुझे अच्छा नहीं लगता कि इतनी मेहनत लोग करते हैं, मतलब ये ऐसे रोल वगैरह लगा के, तो फिर मेरे तो अपने आप ही रोल होंगे ऐसे, क्योंकि मेरे तो मैं बेजार हूँ इससे, रोज इन लोगों को अच्छा लगता है। हाँ। तो ऐसी प्यारी लग रही मेकअप करके, तो ऐसा अच्छा मेकअप करने आ। पहले वाला वीडियो बाद में बनाऊंगी, तो सारा अली खान के टाइम पे किए थे, इसका चल रही है ऐसा हटा के ट्रांजिशन, फिर वो करने का है ना, खुद बोल के खुद ही भूल जाती है। हो गई डिस्कशन सारा सारा अली खान के ऐसा, ऐसे मेरी बेबी को लोग बोलते हैं और बाकी भी मुझे भी लगती है बिल्कुल वैसी। कैसी नहीं पता नहीं, इसकी बहन को मालूम है कि ये कैसी कैसी दिखती है, मुझे तो मेरी प्यारी प्यारी दिखती है बस, बात खत्म। चलो खोल जब हाँ प्यारी परी अभी खोल रही बात, ठीक है जब खोलेगी तो फिर मैं उसका शूट कर लूँगी ना, अभी गाने चूज कर ले किस पे तुझे बनाना है क्या बनाना है। हाँ जी, तो ये उसने खोल लिए बाल, तो ये बिल्कुल मेरे जैसे अब हो गए, नहीं वो बाल वो छुड़ा रही बिल्कुल एक भी हो गए ना वो, और गीले में बांध ली थी ना इस करके, ये अभी प्यारे लग रहे हैं। इसके भी सीधे ही बाल रहते, इसके कर्ल नहीं है, लेकिन इन लोगों को शौक आता है मेरी तरह करने कर्ल करने के, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे ये थे अच्छे लग रहे प्यारे। तो हो गए इसके बाल अभी कर्ल, चलो ये काम हो गया। वो दिन मैं यही बताना भूल गई थी, मैंने दोपहर में खीर बनाने की बात करी थी, तो चावल वगैरह मैंने भिगा दिए थे और अभी वही मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। मतलब मेरी बहन ने जितना मुझे बताया था मैं वैसे वाले बनाने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया था मुझे खोए वाली आती है दाल की अलग तरीके की, तो मेरी बहन ने आसान तरीका बताया, बोले इसे बना के देखो, चलो उसने तो बहुत आसान बनाया, वो आसान मुझे आता है ये नहीं, ये देखती हूँ अभी। तो यही चावल ले लिए पीसने के लिए, बराबर मैंने सब कुछ निकाल के रख दिए, बादाम इसमें काट के रख दिए, घी में तला है उसको दूध गर्म होने के लिए निकाल दिया है, सारा कुछ उसने जो जो बोला था करके रख दिया है। अब इसके बाद ये पहले बना चुकूँगी फिर इसको फोन लगाऊंगी। दरदरा मतलब वो कर लेना, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं है, मतलब नहीं हो जाएगी वो, हाँ ऐसे तो ठीक हो गया, ये दरदरा ही बोला था, दरदरा हो गया, तो ये मुझे वो लग रहा है, तो लग रही ठीक बन जाए, वरना वो बोले कि मैंने बताया कि आसान हो फिर भी नहीं बना सकी, तो मुझे अपना वाला नहीं बनाना था इस बार, मुझे उसका वाला बनाना था। इस करके मैंने बोली तेरी वाली, क्योंकि उसकी खीर हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, उसने भी देख कर सीखी थी, उनको बहुत पसंद आई, तो हमको उस जैसी बनाऊंगी। तो अब मुझे लेनी पड़ेगी कढ़ाई, तो ये कढ़ाई में मैंने अब गैस जला रही हूँ,
बिस्मिल्लाह। और अभी जस्ट ये बनाते थे, फिर से मुझे वापस से सफाई करनी है किचन की। वो बस मेरा मतलब दिन भर का लास्ट वाला काम है जो सफाई कर देना है बाद में, बस उसके बाद फिर कोई काम नहीं। तो अभी घी डाल के पहले इसको भून लूँ, थोड़ा कड़क कर लूँगी इसको। तो इतना चावल जो पीसा मुझे डालना था, मैं 180 से बना रही हूँ, तो चावल अब भीग के ज़्यादा हो गए थे, तो ये चावल मैंने बचा लिए। ये नेक्स्ट टाइम अगर ये अच्छी बन जाती मेरा से तो फिर वो नेक्स्ट टाइम के लिए काम आ जाएगी। ये सब चालू करना ज़रूरी है, मैं धुआं करके मैं नहीं हूँ। तो इसको अभी मैं थोड़ा सा कर लूँगी। नई चीज़ अगर कुछ करने जाओ, अगर से वो आसान भी है तो एक्साइटमेंट रहता है मुझे। तो कर रही हूँ, अल्लाह करे कुछ झले नहीं, तो दम बताना मिल जाए। बस हमको ये थोड़ा सा करने का सोना का मौका। भून बन के हो गया हमारा दबाव वाला काम, कैसे पकड़ू बहुत धीरे ही करना चेक कर देता। अब मुझे तो लगता है फिर थोड़े थोड़े दिनों के गैप पे लगता था मुझे चेक करना। यह बादाम को थोड़ा सा घी में चावल ही रखा है, दूध मैंने चढ़ा दिया है। अब जो दूध गर्म थोड़ा सा चटके वाला होगा तो मुझे प्याले में निकाल लेना पड़ेगा उसको, कस्टर्ड मिला के रखने के लिए। फिर चावल दूध में डाल के शक्कर डाल के उसको अच्छी तरह चावल को पका लेना, जब पक जाएगा तो फिर जो कस्टर्ड हमने बना के रखा वो डालना। ऐसा मैं होमवर्क कर लेंगे, याद कर लेंगे। कल के हैं बहुत आसान, उसके बोला था ये वाला कस्टर्ड ले लो, तो मैंने ये वाला लिया है, इसमें उसकी बहुत अच्छी घी बनी थी और मैं तो फिदा हो गई खाते साथ। तो अभी बना रही हूँ, लग रही अच्छी बन जाए तो बहुत इज्जत का सवाल है, और मेरी खीर पे भी कोई फिदा हो जाए बराबर तो खा के बोले अच्छी। तो यहाँ तो पता नहीं मैंने बाहर में देखो चुंदी सी लिखी हुई है, मैं पिन लगाई है जो मेरे कंधे हैल है इसके लिए वो झिपड़ी दिखती हूँ, तो उन गालों को मैंने यहाँ लेके पिन लगाई हुई। मैंने पूरा इंतज़ाम किया है, पता नहीं छप्पू सी लग रही होगी और गर्मी शुरू हो गई तो एग्जिस्टेंस के भी कोई मतलब नहीं है, मुझे गर्म लग रहा है। और खिड़की रात में नहीं खोल सकते वरना मच्छर पूरी रात काटेंगे, तो कई बार यहाँ से काम करके जाकर थोड़ा इसी में बैठ जाऊँगी। तो ये दूध गर्म होने लगा है और मुझे इसमें डालने हैं चावल। हाँ बोलो। ये लोग तो ना बाहर बैठे तो सिर्फ थोड़ा ध्यान रखना, झगड़ा ना करें। हाँ हम लोग तो अंदर कर लेंगे। तो इसको इतना मैंने डाल दिया, पता नहीं ज़्यादा हुआ या कम हुआ, मैंने चावल का अंदाजन इसे छोड़ दिया। ठीक है, अब इसका इसको जो है वो चलाते रहना है, क्योंकि जब खीर ये बनाते हैं तो इसको हम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, उसको चलाते ही रहना है। हाँ चला कर थोड़ा तो फिर जम जाएगा, जब हम एक बार बन जाएगा तो उसके बाद भी आसानी। मैंने अब तक अपने बहन को भी फ़ोन नहीं किया, मैंने सोचा पहले मैं ये कर लूँ फिर बहन को फ़ोन करूँ कि देखो मैंने ये तीर माना है। हालांकि बना लेती हूँ तो कुछ भी नहीं, थोड़ी अलग ही तरीके की है थोड़ी, और मैं जो बनाती हूँ ना उससे ज़्यादा सिंपल है, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे भाई लगी हुई है, क्योंकि अभी फिलहाल तो नया काम चल रहा है। ऐसे मतलब तीन, ठीक है ये तीन हो गया, मैंने फिर लेके आज पास कर लिया। अब मैं ध्यान लगा के इसको हिलाऊँगी और मैं थोड़ी देर फिर चुप रहूँगी, क्योंकि ध्यान रखे फिर जाती रहूँ पता उठिए ना जल जाए। आज मेरी बेटी नहीं मैं ये कर रही हूँ, और फिर मैं अभी करते करते बराबर हिलाते रहती हूँ, तो मैं याद करी ऐसे ही बताया था ना, हाँ ऐसे ही बताया था, हाँ ऐसे ही बताया था, हाँ शायद ऐसे ही बताया था,
तो वो भी याद करेंगे साथ में, हाँ ये बताया था कि मैं तसली दे रही हूँ कि कुछ गड़बड़ी ना हो, तो हाँ बाबा ऐसे ही बताया था। आप भी बोलोगे मैं बहुत बड़े जोक हूँ। अभी तक तो शुक्र से ठीक चल रहा है। कोई बात नहीं, मैं भी बना लेती हूँ, अच्छे अच्छे मिठाई भी बना लेती हूँ। मगर एक चीज़ मैंने आज तक नहीं बनाई और मुझे आईडी नहीं बनानी, वो है मीठे चावल, ज़्यादा बोलते हैं मीठे चावल, वो मैं नहीं बना सकती और मैं बिरयानी नहीं बना सकती हूँ। अभी तक मुझे आती भी नहीं है और जो मुझे मीठा इतना ज़्यादा नहीं पकाने में, लेकिन सारा कुछ बना लिया माशाल्लाह, सारा कुछ बना लिया, चिकन वगैरह का जो बनाता वो भी बना लिया, मटन का बनाता वो भी बना लिया, लेकिन बिरयानी और ज़रदा फिर चावल वो नहीं, अब तक बनाया भी नहीं और आता भी नहीं, अब मैं कुछ छूट नहीं भी आता था, ये सब बना लेती हूँ, खीर वगैरह हो गया ये सब, और अब माशाल्लाह से मेरी बेटी बनाती है, तो जितना भी मुझे आता है मुझे फख्र है। फिर लंच पर जाता था पहले मेरी भी, पहले जब स्कूल में थी मेरे से खाना वगैरह बना लेती थी, तो तब से खाने की माशाल्लाह मेरा हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता था, और जितने भी खानदान वाले थे, घर वाले खानदान वाले, उनको मेरे हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता था, और वो सब मेरी तारीफ किया करते थे, मतलब कि मतलब मेरे हाथ एक से एक डिश बनती थी माशाल्लाह से। तो पता है ना शादी हो जाती है, कलम फूट जाते हैं, हाथ का स्वाद ही गायब हो जाता है, बस वही वही हुआ, शादी हो गई, कलम फूट गई, हाथ का स्वाद भी गायब हो गया, अभी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी चलाने जा रही है, अभी मैं देख नहीं रही हूँ कैमरा, मुझे बंद करता था मैं, मगर अब मैं इसे लग चुकी हूँ। तो अभी मैं हाथ को ना रोकते हुए हाथ को चलाती रहूँ तो अच्छा है, ठीक है। ये देखिए ये हो गया फुल फाइनल हमारी खीर। खैर अभी मैं इसको फ्रिज में रखूँगी, जब ने प्यालियों में निकाल निकाल के, तो अभी भी बुलाती हूँ आपको, माय यूट्यूब फैमिली हमारे साथ खीर खाने आइए।